नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रकुल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक और घमासान मुकाबले को। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगी आमने सामने इन द 31st मैच ऑफ आईपीएल 2022। अब दोस्तों दोनों ही टीम्स शानदार परफॉर्म कर रही हैं, टॉप फोर में बैठी हुई हैं और ऐसे में ये एक ऐसा मैच है जो कि इन्हें टॉप पर ला सकता है। वेल, लखनऊ सुपर जायंट्स ने हाल फिलहाल देखें तो मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करी है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। तो ऐसे में हाल फिलहाल अगर हम करंट पोजीशन पर जाएं तो लखनऊ सुपर जायंट्स के हाल फिलहाल हैं 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट है प्लस 0.296 का। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 8 पॉइंट्स हैं लेकिन नेट रन रेट थोड़ा सा कम है प्लस 0.142 का। तो ऐसे में भैया इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में कौन सी टीम जीतेगी, कौन से प्लेयर शानदार परफॉर्म कर सकते हैं और आखिर आईपीएल बोनांजा का क्या हाल चल रहा है दोस्तों, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें भैया, सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को। और भाई जहां तक बात है हमारे आईपीएल बोनांजा के विनर की, तो अब्दुल साहब ने एक बार फिर सही जवाब देते हुए कैश प्राइज हासिल कर लिया है। अब दोस्तों अब्दुल भाई की तरह आप भी कैश प्राइज जीत सकते हैं, बस देना है दो आसान से सवालों के सही जवाब। अब दोस्तों ये जो मैच है ये खेला जाने वाला है डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 10 मैचेस ऑलरेडी यहां पर खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 6 बार जीत चुकी है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट स्कोर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का 216 रन और लोएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स का 128 रन। बॉलर्स के परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं भाई, 112 विकेट चटकाए जा चुके हैं 10 मैचेस में। पेसर्स की झोली में गिरे हैं 73 विकेट्स और स्पिनर्स ने चटकाए हैं 39 विकेट्स। अब दोस्तों इस ट्रैक पर दोनों टीम्स ने भी परफॉर्म किया हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स की जहां तक बात है तो एक मैच खेला है इन्होंने, जीता था, टोटल 9 विकेट चटकाए थे इस एक मैच में, 169 का स्कोर खड़ा किया था। सक्सेसफुल बॉलर हैं यहां पर इस ट्रैक में आवेश खान विद 4 विकेट्स और सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे हैं केएल राहुल विद 68 रन। ऑन द अदर हैंड अगर इनके ओपोनेंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो भैया इस ट्रैक पर आरसीबी का एक्सपीरियंस ज्यादा दिखाई देता है। 3 मैचेस खेले हुए हैं यहां पर लेकिन एक मैच ही जीत पाए थे। टोटल विकेट्स थे इनके 18, हाईएस्ट स्कोर है 205, सक्सेसफुल बॉलर है वनिंदु हसरंगा 7 विकेट्स और सक्सेसफुल बल्लेबाज हैं फाफ डुप्लेसी जिन्होंने 3 मैचेस में 101 रन बना लिए हैं। अब दोस्तों ये तो था दोनों टीम्स का लेखा जोखा। अब इसी के साथ दोस्तों दाग देते हैं आईपीएल बोनांजा का हमारा पहला सवाल, क्या आरसीबी बैटिंग करते हुए पावर प्ले में कोई भी विकेट गवाएगी? अगर हाँ तो कितने विकेट गिरेंगे पावर प्ले में, इसका जवाब दीजिएगा। आरसीबी के कितने विकेट पावर प्ले में गिरेंगे जवाब दीजिएगा, लेकिन दूसरे सवाल के बाद। चलिए बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की जहां तक बात है तो भैया इनका सफर काफी उमदा चल रहा है। लास्ट मैच ये जीते थे और ऐसे में केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, मार्कस टॉयनेस, आयुष बडूनी, मनीष पांडे, ये सभी ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इनका बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग बनाते हैं। कृणाल पांड्या तक सभी धमाकेदार बल्लेबाजी करना जानते हैं। दुश्मंता शमीरा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, आवेश खान और रवि बिश्नोई भी डिसेंट गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों की प्लेयर्स की बात करी जाए तो केएल राहुल ने 6 मैचेस में 235 रन जड़ दिए हैं 144 के स्ट्राइक रेट से। क्विंटन डिकॉक के बल्ले से निकले हैं 212 रन 136 के स्ट्राइक रेट से और दीपक हुड्डा भी बैक टू बैक रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं, 6 मैचेस में 170 रन बनाए हैं 133 के स्ट्राइक रेट से। अब दोस्तों इन 3 बल्लेबाजों के अलावा मार्कस टॉयनेस, आयुष बडूनी और कृणाल पांड्या 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर तीसरी पोजीशन पे मनीष पांडे बहुत ज्यादा रन स्कोर करते नहीं दिखाई दिए हैं, विच इज अ कंसर्न। अब दोस्तों गेंदबाजों की बात करी जाए तो आवेश खान ने 6 मैचेस में 11 विकेट निकाले हैं, जेसन होल्डर ने आते ही 4 मैचेस खेलते हुए 6 विकेट ले लिए हैं, हालांकि इकोनॉमी के मामले में थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई ऑन दी अदर हैंड 4 मैचेस में 5 विकेट के साथ ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑपोजिशन पर दबाव डालने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आरसीबी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन क्या आरसीबी ईट का जवाब पत्थर से देने में सक्सेसफुल हो पाएगी, आइए देखते हैं इनकी प्लेइंग 11। सबसे पहले तो भैया यहां पर फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक जैसे बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन अनुज रावत बीइंग एन अंडरडॉग अच्छी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए थे 1-2 मैचेस में, विराट कोहली बैक टू बैक रन स्कोर करते दिखाई नहीं दिए, विच इज अ कंसर्न। दोस्तों इनके अलावा अगर हम देखें तो फाफ डुप्लेसी भी एक ही मैच में बड़ी
बड़ी पारी खेलते दिखाई दिए थे। उसके अलावा अभी वाफ का बल्ला भी शांत चल रहा है। ऐसे में दोस्तों जो दो बल्लेबाज हैं वो हैं शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक, जिनके दम पर टीम किसी न किसी तरीके से मैच जीतती नजर आई है। अब यहाँ पर वरिंडू हसरंगा शानदार गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं। हर्षल पटेल किस तरह से वापसी करते हैं ये दोस्तों देखना होगा। यहाँ पर जॉश हेजलवुड भी उमदा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज की तरफ से कोई खास एफर्ट नजर नहीं आए हैं और काफी महंगे भी साबित होते दिख रहे हैं। दोस्तों की प्लेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर फाफ डुप्लेसी 6 मैचेस में 154 रन बना चुके हैं 123 के स्ट्राइक रेट से। शहबाज अहमद ने 4 मैचेस में 145 रन बनाए हैं 154 के स्ट्राइक रेट से। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 6 मैचेस में 197 रन बनाए हैं 209 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों ये तीनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आरसीबी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं बॉलर्स की बात करी जाए तो दो ही गेंदबाज यहाँ पर सक्सेसफुल होते दिखाई दिए हैं। पहले हैं जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 2 ही मैच खेले हैं और 4 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं 7.62 के इकोनॉमी के साथ। तो वहीं मोहम्मद सिराज भी 6 मैचेस में 5 विकेट लेने में सक्सेसफुल रहे हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 10.25। अब दोस्तों इन दोनों के बाद अगर हमें कोई गेंदबाज दिखाई देता है तो वो है हर्षल पटेल, जिन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं। अब दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर टीम सॉर्टेड नजर आती है। कुछ खामियां बल्लेबाजी में जरूर दिखाई देती हैं, गेंदबाजी में भी कुछ फ्लॉज नजर आते हैं, और ऐसे में ऑन पेपर देखा जाए तो भैया यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के दोस्तों जीतने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। और यहीं पर दाग दिया जाता है आईपीएल बोनांजा का हमारा दूसरा सवाल कि भैया इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स पावर प्ले में कितने रन स्कोर करने वाली है। दोस्तों इन दोनों सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, एक साथ दें, अपने आंसर्स को एडिट करना अवॉइड करें। और भैया अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे जाते जाते लाइक जरूर करते जाए। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।